हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे म्यूज़िक डायरेक्टर S.D.बर्मन जी के बारे में। इनका पूरा नाम था सचिन देव बर्मन और ये म्यूज़िक कंपोज़र R.D.बर्मन जी के पिताजी थे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1906 में हुआ था त्रिपुरा की रॉयल फैमिली में। और S.D.बर्मन म्यूज़िक डायरेक्टर तो थे ही, बहुत ही अच्छे सिंगर भी थे। इनके काफ़ी गाने हैं जो इन्होंने स्वयं गाए हैं और फिल्मों में दर्शाए भी गए हैं। 1932 में इन्होंने बंगाली फिल्म से अपना संगीत का सफ़र शुरू किया और 1975 तक एक्टिव रहे। अक्टूबर 31, 1975 में ही इनका निधन हुआ। तो इसका मतलब है टिल द एंड ही केप्ट कंपोजिंग म्यूज़िक। जितने भी लीडिंग सिंगर्स हैं, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, सभी ने इनकी कॉम्पोजिशंस गाई हुई हैं। इनके अपने खुद के 14 हिंदी गाने और 13 बंगाली फिल्म सॉन्ग्स हैं, खुद गाए हुए हैं जो इन्होंने। एक अलग ही फोक म्यूज़िक जैसी वॉइस जो होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस है। बाद में तो इन्होंने बोल भी दिया था कि लिप सिंक नहीं करेंगे एक्टर्स मेरी वॉइस पे, वो खाली एज अ बैकग्राउंड स्कोर दिखाई जाएगी फिल्म में। तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता था, स्टोरी आगे चलती थी और बहुत ही सुंदर गाने खुद के बनाए हुए, खुद के कंपोज किए हुए और खुद के गाए हुए एनहांस कर देते थे पूरी म्यूज़िक को और स्टोरी को फिल्म की। एज अ म्यूज़िक कंपोज़र उन्होंने स्टार्ट किया था बंगाली प्लेज से, और ये प्लेज थे जैसे सती तीर्थ एंड जननी। ऐसे प्लेज से इन्होंने शुरू किया था, उसमें म्यूज़िक दी और धीरे धीरे अपना जो फर्स्ट स्कोर था वो था फिल्म राजगी के लिए। कुछ बंगाली फिल्म्स के लिए भी ये कंपोज़र की तरह इन्होंने काम किया और फिर फाइनली ये आए मुंबई 1946 में। अब शुरू होती है इनकी म्यूज़िक कंपोजिशन की असली कहानी। हिज फर्स्ट फिल्म एज अ सिंगर वॉज सांझेर पिदीम 1935, शिकारी और 8 दिन में म्यूज़िक देने के बाद इनको जो फर्स्ट मेजर सक्सेसफुल ब्रेक मिला वो था दो भाई फिल्म से। इस फिल्म में गीता दत्त जी द्वारा गाया हुआ गाना, ये तो आप जानते ही होंगे, मेरा सुंदर सपना बीत गया, बहुत हिट हुआ था और इससे इनकी एक सक्सेसफुल म्यूज़िक कंपोज़र की यात्रा शुरू हुई। इसके बाद फिल्म शबनम में शमशाद बेगम जी द्वारा गाया हुआ गाना ये दुनिया रूप की चोर बहुत ही हिट हुआ। लेटर ही जॉइंट हैंड्स विद एक्टर देवानंद नव केतन प्रोडक्शंस। तो नव केतन प्रोडक्शंस के साथ इनका जो साठ गांठ रही वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। वहाँ से प्रोड्यूस होती थी फिल्म और ये देते थे म्यूज़िक और एंड रिजल्ट होता था सक्सेसफुल सुपरहिट फिल्म। यह इनकी जो फर्स्ट फिल्म थी वो थी 1950 में अवसर, और फिर इसके बाद 1951 में बाजी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म्स हुई। और ये इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि इनकी म्यूज़िक बहुत ही मेलोडियस थी और ये म्यूज़िक दिया था S.D.बर्मन साहब ने। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। याद है आपको ये गाना गीता दत्त की आवाज़ में, ये बहुत ही हिट हुआ था। जाल फिल्म से ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की
दास्तां। किसने गाया ये गाना? हेमंत कुमार जी ने। और ये गाना भी बहुत ही सुपर हिट हुआ था। इसके बाद ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुम हो यहाँ कैसे बुलाए, ठंडी हवाएं। लता जी ने गाया ये गाना, बहुत ही सुपर हिट हुआ था ये वाला गाना भी। डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म्स जैसे प्यासा, कागज़ के फूल, देवदास, हाउस नंबर 44, फंटूश, इन फिल्मों की म्यूज़िक भी S.D.बर्मन जी ने ही दी। ही अगेन क्रिएटेड मैजिक विद कमाल का गाना ये तलत महमूद जी की आवाज़ में। बताइए कौन सा गाना होगा? जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। बहुत ही अच्छा गाना है। और फिर सुनिए इस गाने को, क्या कॉम्पोजिशंस हैं S.D.बर्मन जी की। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, वक्त ने किया। अराउंड 1957 एक टीम बनी, जैसे S.D.बर्मन जी, किशोर कुमार जी, आशा भोसले जी और लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी। और फिर इनके जो डुएट सॉन्ग्स हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए इस टीम के, आपको तो पता ही होगा। उसके बाद आशा भोसले जी की मैरिज हुई उन्हीं के, S.D.बर्मन जी के बेटे के साथ, R.D.बर्मन जी, जो कि खुद ही बहुत ही काबिल म्यूज़िक डायरेक्टर थे। सुजाता फिल्म के लिए इन्हें मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक से। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम इन्होंने कोलकाता में ली थी, बहुत ही कई साल लगाए, काफ़ी मेहनत की, और पूरी नॉलेज थी इनको ना केवल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की, बल्कि डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने आते थे। नियरली जितने भी ऑर्केस्ट्रा में आप देखते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी बजा लेते थे। किसे नहीं याद ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। इन्होंने खुद ने गाने गाए हैं अपनी आवाज़ में, ओरे माझी मेरे सजन है उस पार, बंधनी फिल्म से, वहाँ कौन है तेरा, गाइड फिल्म से, सफल होगी तेरी आराधना फ्रॉम आराधना फिल्म। इतने फोक स्टाइल में गाए हुए हैं, ऐसी आवाज़ में, इतने सुंदर लगते हैं गीत की, इनको रिक्रिएट करना, खुद गा के दिखाने की हिम्मत भी नहीं होती है मुझे। ये अपने में उन्हीं की आवाज़ में सुंदर लगते हैं ये सभी गीत। सफल होगी तेरी आराधना, आराधना फिल्म का गाना जो है, इस गाने के लिए तो इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर भी मिला 1970 में। तो म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ साथ सिंगर थे, लेकिन इतने अच्छे सिंगर की प्लेबैक सिंगिंग के लिए अवार्ड दिया गया इन्हें। और देखिए आप किस किस फिल्म में इन्होंने गाने दिए हैं, बम्बई का बाबू, तेरे घर के सामने, गाइड तो आप जानते होंगे फिल्म, ज्यूल थीव, मेरी सूरत तेरी आँखें। अब ये गाना आप देखिए कितना हिट हुआ था, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई।
आराधना की म्यूज़िक बनाते समय ये थोड़े बीमार हो गए थे और फिर इन्होंने इस फिल्म के गीत बनाने का जो काम है कंप्लीशन उसको दे दिया था अपने बेटे R.D.बर्मन जी को। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये तो आपको पता ही है गाना किशोर कुमार जी की आवाज़ में। ये जो सॉन्ग है इसमें R.D.बर्मन जी ने माउथ ऑर्गन तक बजाया है। प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, शर्मीली, अभिमान, प्रेम नगर, मिली, मिली फिल्म भी बहुत हिट हुई थी, चुपके चुपके, ये सभी फिल्में जो हैं बहुत हिट हुई थी और इनमें जो म्यूज़िक दिया है वो है S.D.बर्मन साहब का। 2007 में इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट ने इनका पोस्टल स्टैम्प निकाला। आज भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की ओर से सचिन देव बर्मन मेमोरियल अवार्ड म्यूज़िक में दिया जाता है। किशोर कुमार के साथ इनका ये गाना देखिए, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी। ज़्यादातर म्यूज़िक कंपोज़र्स जो हैं वो किस पे कंपोजिशन करते हैं, म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं हारमोनियम पे या फिर पियानो पे कंपोज़ करते हैं, लेकिन S.D.बर्मन साहब की बात ही निराली थी। वो तो ट्यून्स कंपोज़ करते थे रिद्म को यूज़ करके, बाय क्लैपिंग हैंड्स, हाँ, ताली बजाकर रिद्म देखते थे किसी भी पोइट्री की और फिर उसके बेसिस पे अपने गानों को कंपोज़ करते थे। चुपके चुपके चल री पुरवैया, हाँ, चुपके चुपके चल री पुरवैया, लता जी की आवाज़ में ये। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, बागों में बहार है, आँखों में खुमार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना कोई तो मिलन का, करो रे उपाय, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना लूटे कोई मन का नगर, बन के मेरा साथी, तेरी बिंदिया रे के आए हाय, तेरी बिंदिया रे, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो
अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, हो नदिया किनारे हीरे आए आई कंगना, नदिया किनारे हीरे आई आई कंगना, पिया बिना भाजी पिया बिना पासिया, बाजना 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 पिया बिना पासिया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ, एक लड़की भीगी भागी सी खोई रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का तराना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया बाराना, 5 रुपया बाराना, मारेगा भैया ना 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 ना, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, दिन ढल जाए हाय रात ना आए, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। कितनी वर्सेटाइल कॉम्पोजिशंस हैं, सब कॉम्पोजिशंस एक दूसरे से कितनी डिफरेंट हैं येट मेलोडियस हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। बताइए ये किसने गाया है ये गाना, आशा जी ने या गीता दत्त जी ने। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, आई लव यू।